सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के शो में हम बात करने वाले हैं कि गाइस, अगर आप अपने फोन पे का यूपीआई पिन या गाइस अपने गूगल पे का यूपीआई पिन आप भूल जाते हैं, तो गाइस आप अपने यूपीआई पिन को आप कैसे पता करेंगे, गाइस आप अपने यूपीआई पिन को आप कैसे बनाएंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में स्टेप बाई स्टेप करके बताने वाले हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप अपने फ़ोनपे का यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आप अपने यूपीआई पिन को आप कैसे पता करेंगे या गाइस आप अपना यूपीआई पिन कैसे बनाएंगे, इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर गाइस आपके फ़ोन में फ़ोनपे एप्लीकेशन नहीं है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में गाइस आपको वहां से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गाइस आपका फोन पे एप्लीकेशन यहाँ से पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। होने के बाद में गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो गाइस आप अपने यूपीआई पिन को आप चेंज कैसे करेंगे या गाइस अपने यूपीआई पिन को आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए गाइस आपको सिंपल पिन प्रोफाइल पर टाइप करना है। प्रोफाइल पर टाइप करने के बाद में गाइस अब आपका यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट ऐड होगा आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखा रहा है, तो आपको अपने बैंक पे टाइप करना है। बैंक पे टाइप करने के बाद में गाइस आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अगर गाइस आपका यूपीआई पिन पता है, अगर गाइस आपको यूपीआई पिन पता है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको यूपीआई पिन पता है और आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज पे क्लिक करना है। अगर गाइस आपको यूपीआई पिन नहीं पता है, आप फिर से यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं, तो आपको रीस्टार्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए गाइस, हम फिर से नया यूपीआई पिन बनाएंगे तो हम रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे। रीस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अंक और एक्सपायरी डेट आपको वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, हम इसे क्या करेंगे, अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अंक और एक्सपायरी डेट हम यहाँ पे इंटर कर दें। तो फाइनली गाइस, अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अंक एक्सपायरी डेट यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद में गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन पे आपको ऐसा अपना यूपीआई पिन आपको सेट करना पड़ेगा। आप कौन सा यूपीआई पिन आप बनाना चाहते हैं, आपको ऐसा अपना यूपीआई पिन इंटर कर देना है। तो चले गए, हम इसे क्या करेंगे, अपना यूपीआई पिन हम ऐसे इंटर कर देंगे। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद में गाइस अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो गाइस आपको उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो चले गए, अभी मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आया है, तो फिर क्या करेंगे, उस ओटीपी को हम इंटर कर देंगे। तो गाइस आप यहां से अपना ओपीडी और यहां से आप अपना कन्फर्म यूपीआई पिन डाल देंगे। डालने के बाद में आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहां से ओके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गाइस आपके यहां से यूपीआई पिन सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। तो गाइस आप इस तरीके अपने यूपीआई पिन को आप बना सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।